गुड आफ्टरनून बच्चों, सब कैसे हैं बच्चों? अच्छे हो? सबने खाना खाया? खाया। खाना खा के सोना नहीं है, जल्दी सर आपको हिंदी सिखाने वाले। यस। हाँ, खाना खा के सुस्त नहीं होना है। अभी हम आज कल हमने आज कविता की आज दो पंक्तियां देखी है, आगे पंक्तियां आज हमें देखना है। कौन सो रहा है पीछे? हाँ, सोना नहीं है, रुको मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम पीछे बोल रहा है बेटा। How's the Josh? Yes sir. How's the Josh? Yes sir. How's the Josh? Yes sir. Very good. अभी बच्चों की बच्चों चार्ज हो गए तो हमने। हाँ, चार्ज हो गए ना? Good. Excellent. अभी देखो बच्चों, हमने कल कौन सी कविता देखी? हाँ, कौन बताएगा? जीविका, आप बोलो। बूंदे बरसी। बूंदे बरसी। इस कविता की हमें दो पंक्तियां कल देखी हुई है हम, लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले थोड़ी चित्र वर्णन देखने वाले हैं आज। हाँ, तो सभी बच्चे अपने टेस्ट बुक निकल के लेंगे। मैं पांच तक गिनूंगा। हाँ, उल्टी गिनती करूंगा पांच तक। हाँ, चलो जल्दी, पांच, चार, तीन, दो, एक। सबने निकाला? हाँ। निकाला ना? तो देखो बच्चों, पन्ना नंबर 17, पन्ना नंबर 17 निकालो सर। हाँ, निकाला सर। निकाला है ना? वेरी गुड बच्चों। अब इसमें देखो बच्चों, इस पन्ना नंबर 17 पे ना चित्र है। आज हम उसका चित्र वर्णन देखने वाले हैं। चित्र में क्या क्या है, बारिश में बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, हाँ वो सब देखना है। हाँ, तो सब सभी का ध्यान अपनी टेक्स्टबुक पे होना चाहिए। हाँ बच्चों, मैं शुरू करूँ चित्र वर्णन करने के लिए? हाँ? आपको सबकी सबको भी उसके आंसर मुझे देने हैं। हाँ? तो बच्चों देखो, पहला चित्र देखो बच्चों, ऊपर एक क्या है बच्चों, कौन बताएगा? ये बादल है ना, बादल, इसे मराठी बोलते हैं ढ में, बादल है ना ये। हाँ, बादल से क्या गिर रही है यहाँ पे? बारिश गिर रही है। बारिश गिर रही है। बारिश कैसे गिरती है बच्चों? नहीं नहीं, कविता के मध्य में बोलो, कविता के शुरू में क्या बोल, कैसे गिरती है? रिम झिम रिम झिम। बूंदे कैसे गिरती है? रिम झिम रिम। हमने आपको पिछले वाले दो पंक्ति में देखा है ना, क्या देखा है? रिम झिम रिम झिम, बूंदे बरसी, हवा चली तो हुआ है। देखिए ना बच्चों। हाँ, तो बच्चे देखो, यहाँ पे जो बारिश की बूंदे है ना, वो रिम झिम रिम गिर रही है। कैसे गिर रही है बच्चों, बोलो बच्चों, आंसर दो। रिम झिम रिम झिम गिर रही है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे नीचे देखो, ये कौन है बच्चों? ये कौन है बच्चों? ये पंछी है। पंछी, कौन सा पंछी है? इसका नाम है तोता है ना। तो तोता कहाँ बैठा है बच्चों? बच्चों तोता कहाँ बैठा है? ये डाली ना, डाली है ना, तोता डालियों पे बैठा है, बैठा है ना। अभी नीचे बच्चे देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो घर है, दो मकान है, एक पेड़ है, दो पेड़ है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो, आपके जैसे दो दो तीन बच्चे ना तालियां बजा रहे हैं, वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनको बारिश को अच्छा लगता है ना, इसकी वजह से वो बहुत खुश हो गए, तालियां बजकर नाच रहे, झूम रहे। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, दो मोर है, मोर मोर नाचते है ना बारिश में, आपने सत्य देखा है ना, मोर नाचते है ना, वो मराठी में गाना है देखो, नाच रे मोरा आंब्याच्या बनात, नाच रे मोरा नाच, आपको मालूम है ना। देखो ये वही मोर है जो नाचते हैं पानी में बारिश में। तो बच्चे देखो, और क्या दिख रहा है आपको इस चित्र में, और क्या दिख रहा है? बच्चे 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 तो हो गया बच्चों। अभी देखो यहाँ पे दो कलिया, कलिया भी झूम रही है। कलिया मीन्स, कलिया का मतलब क्या है? छोटे छोटे पौधे फूलों, उसे कलिया बोलते हैं ना। हाँ, वो भी उस हवा के कारण झूम रहे हैं। हाँ, देखा है बच्चों? देखो पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, बच्चे खुश है, मोर खुश है, तोता भी खुश है ना, तोता भी खुश है। तो बच्चों अभी हम आगे की पंक्तियों की ओर पढ़ेंगे, तो सभी अपनी ध्यान अपनी उंगलियां उस लाइन पे होनी चाहिए। हाँ, तो बच्चे देखो, मैं अभी शुरू करूंगा। डाली डाली झूम रही है,
पवन चले प्रतवार। ये पंक्ति आप शुरू करने से पहले फर्स्ट सुन पहले से पहली पंक्ति देखो कौन सी है, रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पूर्व। अभी इस कहानी में इस कविता में कवि ने क्या बोला देखो, रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पूर्व। अरे बच्चों मुझे बताओ रिमझिम बूंदे गिरना, इसका मैंने कल की पेड़ में कल की तासिका में मैंने आपको उसका मतलब बताया, तो कौन बताया मुझे? हाँ किसका ध्यान है देखेंगे, अकल का कर सब भूल गए सर, याद नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा बच्चों। सचिन सर आपको सिखा रहे हैं तो आपको याद में आना चाहिए। हाँ ठीक है मैं फिर से आ जाता हूं आपको। रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पूर्व आई, आसमान से गिरने वाले बादलों के जो बूंद है ना, पानी के बूंद है ना, उसे इस कविता में ना कवि ने रिमझिम बूंदे बोली है। क्या बोले है? रिमझिम बूंदे बोली है। हवा चली पुरवाई, पुरवाई पूर्व से चलने वाली हवा, क्या पूर्व से चलने वाली हवा, सूरज जहां से उगता है ना, सूरज जैसे सनराइज होती है ना, वहां उस दिशा का पूर्वाई कहते हैं, पूर्व दिशा। वहां से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती है ना पूर्व की दिशा से, उसे इस कविता में हवा चली पूर्वाई, रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पूर्वाई। सौंध गंध उठी धरती से सबके मन को भाई, सौंधी मैंने कल शब्दार्थ यहां पर लिखा था, अपने CW में कॉपी भी किया था, तो सौंधी का मतलब कौन बताएगा मुझे, कौन बतलाएगा, कौन बताएगा बताओ, जल्दी बताओ। सौंधी नहीं मालूम, वो भी भूल गए। हाँ वेरी गुड, आपको मालूम ही देखो, सौंधी मतलब धूल पर पानी गिरने से आने वाली खुशबू, सौंधी। तो देखो बच्चों, जब बारिश की पहली बूंदे जब मिट्टी पे गिरती है ना, बारिश की पहली बूंदे जब मिट्टी पे गिरती है, वो मिट्टी और पानी जब मिक्स होता है ना, जब जो खुशबू आती है उसे सौंधी गंध उठी धरती से सौंधी बोलते हैं। देखो मैं जब छोटा था ना जो बारिश की बूंदे जब पहली बारिश होती थी, जब मिट्टी पे गिरती थी ना पानी मिक्स होता था, जो खुशबू सुन के ना मुझे ऐसा लगता था ना मैं वो मिट्टी खाऊं, मुझे ऐसा लगता था मैं मिट्टी खाऊं। मैं दो बार वो मिट्टी दो बार खाया, लेकिन बाद में मुझे बहुत मार पड़ी मेरी मां से, क्यों अभी गंदा है ना वो मिट्टी, अंदर जाएगा तो पूरा पाचन संस्थान पर खराब हो जाएगा, तो ऐसा लगता था मैं उसकी खुशबू इतना अच्छी थी ना तो मैंने वो खाया। यहाँ पे ये लिखा है सोनी गंध उठी धरती से सबको मन को भाई, भाई मैंने कल शब्द दिया था आपको, भाई भाई मीन्स ब्रदर नहीं, रॉन्ग है, भाई मीन्स ब्रदर नहीं, भाई मीन्स हिंदी में इस कविता में इसका अर्थ है अच्छी लगी मेरे मन को भाई, मेरे मन को भाई। सोने गंध उठी धरती से सबके मन को भाई, मुझे वो मिट्टी खुशबू मुझे भाई मुझे पसंद आई, मैंने उसे खाया। अभी आगे देखो बच्चों, अभी तीसरी पंक्ति देखो बच्चों, डाली डाली झूम रही है, डाली डाली, डाली डाली का मतलब क्या है बच्चों, अभी मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, आप चित्र वगैरह देखो इधर, यहाँ पे कौन बैठा है बच्चों, तोता कहाँ बैठा है बच्चों, तोता डाली पे बैठा है ना, ये डाली है ना, अंश ये कौन है, ये आप हो ये यश, आप ये हो, तोता हो नहीं ना, तोता किस पे बैठा है बच्चों, तोता बैठा है डाली पर, तो इसी कहते हैं डाली, डाली मीन्स मराठी में बोलते हैं फांदी, हिंदी और एक शब्द है हिंदी टहनी। हाँ तो देखो बच्चों, डाली डाली झूम रही है, जब पूरब की ओर से हवाएं आती है ना, पूरब की ओर से हवाएं आते हैं ना, तो पेड़ है ना, पेड़ उस हवा के झुके से ना ऐसे हिलते हैं,
ऐसे हिलते हैं ना, तो हमें कैसे लगता है बच्चों कि पेड़ नाच रहा है, झूम रहा है, ऐसे लगता है ना। पेड़ कैसे ऐसे झूमते हैं ना हवा के जोर से, ऐसे ऐसे बहुत जोर से तूफान जब आता है ना तो पूरा पेड़ इसे नारियल का पेड़ देखो, नीलगिरी का पेड़ देखो, तो ना ऐसे ऐसे हिलता है, देखा है ना आपने। तो आप हमको कविता में उसको उसको कैसे ले देखो, डाली डाली झूम रही है उस हवा के जोर से ना, वो डाली में ऐसे झूम रही है। पवन चली मतवाई, पवन देखो बच्चों, पवन बच्चों पवन कौन है, बच्चे का नाम है पवन नहीं है ना, कि पवन का मतलब क्या है, हवा। क्या है, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। देखो किस कौन है, मंजरी हवा। ये पवन बच्चों आपने वो रामायण देखा है, देखा है हनुमान की सेल किसी से देखी है, हनुमान की जय हनुमान। हनुमान का दूसरा नाम क्या है बच्चों मालूम है, पवन पुत्र। उनको पवन पुत्र क्यों कहा जाता था इसको मालूम है, हवा से उड़ जाता है। नहीं पवन देव को ना अंजलि, अंजलि हनुमान की जो माँ थी ना उनको वरदान था अंजनी, अंजनी देवी ना हनुमान की जो माँ थी ना अंजनी देवी, उसको ना पवन देव ने ना वरदान दिया था, इसलिए हनुमान को भी पवन पुत्र कहते थे। वो कैसे रहते थे, कैसे उड़ान किया था उन्होंने मालूम है ना, खूब करके ऐसे रावण के महल पे। हाँ उसी को पवन, पवन पुत्र। पवन का मतलब क्या है, हवा। देखो पवन चली मतवाली, देखो बच्चों मतवाली मतवाली का मतलब क्या है बच्चों, कौन बताएगा, मतवाली देखो मजेदार, मतवाली का मतलब क्या है, मजेदार। डाली डाली झूम रही है पवन चली मतवाली, जो पवन जा रहा है ना जोर से हवाएं आ रही है उसकी वजह से ना डाली पूरे से झूम रही है, हवाएं हवा भी मजेदार से जा रही है। उसके बाद देखो बच्चों कलिया नाच रही है, बच्चे बजा रहे हैं ताली। अपने चित्र में वो कलिया देखी है, देखिए ना कलिया छोटे छोटे फूलों के पौधे, गुलाब का फूल होगा, जासूंदी का होगा, तरह तरह के फूल है जंगल में, तरह तरह के फूल रहते हैं ना, तो वो भी ना जो पूर्व की तरफ से आ रहे हैं ना हवाएं, ठंडी ठंडी हवा है ना जोर से, उसकी वजह से वो भी झूम रही है, नाच रही है। झूमना कौन बताएगा, झूमना, झूमना का मतलब है नाचना, वो कलिया भी झूम रही है। हाँ? अभी देखो बच्चों बच्चे बजा रहे हैं ताली, तब देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, जब हमारा स्कूल कब चालू होती है, शुरू होती है मई के छुट्टी के बाद, जून को ना बारिश के मौसम, मंथ कितने होते हैं, चार, कौन कौन से है बताओ, कौन कौन से, हाँ बोलो कौन बताएगा, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तो बच्चों हमारा स्कूल कब शुरू होता है, जून के फर्स्ट तारीख को, फर्स्ट या पांच जून को। तो देखो पूरा बारिश का मौसम रहता है, कहता है ना जब आपका पीरियड पीरियड होता है, हाँ जब आपका पीरियड होता है तो मैं आपकी क्लास में आता हूँ, तो आप एक एक शोर मचाते हो, क्या हमें खेलने जाना है, हमें खेलने जाना, लेकिन मैं क्या करता हूँ, देखो बच्चों बारिश का मौसम है, बारिश आने की संभावना है, तो आप घर हाथ मत जाओ, भीगो मत, लेकिन आप मेरी सुनते नहीं हो, सुनते नहीं हो ना, शोर मचाते हो हमें खेलने जाना है, खेलने जाना, तो मुझे आप पे दया आती है, तो मैं क्या करता हूँ आपको लेके जाता हूँ, आप ऐसे लाइन में से आते हो थोड़ी देर बाद क्या होता है, बारिश गिरना शुरू होता है तो आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हो, मुझे बिना बताए मेरे पीठ पीछे जाके भीग के आते हो ना, अब
वो तालियां बजाते नाचते हो तो नाचते हो ना भिगते हो आपको भिगने में मजा आता है ना। अब है ना बच्चों यही है देखो यहाँ पे क्या लगा है बच्चों को भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बारिश की जो पहले पहली बूंदे उनके शरीर पे गिर रही थी उनको बहुत अच्छा लग रहा है बारिश में पहले बारिश में गिरने का मौसम उसलिए खुशी से वो तालियां बजा रहे नाच रहे हैं। देखो बच्चों अभी ये कविता यहाँ पे खत्म होती है तो मैं आप मेरे पीछे आपको उस कविता को एक बार बोल रहा है तब सब रेडी हो बच्चों रेडी हो ना रेडी हो बच्चों हाउ द जोश हाउ द जोश हाउ द जोश देखो बच्चों मेरे पीछे आपको बोल रहा है रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पुरवाई रिमझिम बूंदे बरसी हवा चली पुरवाई सोनी गंध उठी धरती से सबके मन को भाई डाली डाली झूम रही है पवन चली मतवाली कलिया नाच रही है बच्चे बजा रहे हैं ताली बच्चों मजा आया ना आपको कविता समझ में आई बच्चों तो बच्चों हम अभी घर पाठ की ओर बढ़ेंगे तो इससे पहले मैं ये रब को दो शब्द आप सी डब्ल्यू में लिख लो नहीं तो बाद में वीडियो पॉज करके लिखना है तो बच्चों आज के लिए आपको सिर्फ तीन प्रश्न है घर पाठ के माध्यम से दूंगा तो मुझे ध्यान दे इधर अच्छा पहले है बच्चों डाली डाली क्या कर रही बच्चों डाली क्या कर रही थी दूसरा प्रश्न है बच्चों आपके लिए कलिया तो बच्चों कलिया जो तो बच्चों ई की मात्रा आ की मात्रा देखो वहां पे इसलिए लिखा है बच्चों कलिया क्या कर रही थी तीसरा प्रश्न है बच्चों ताली कौन बजा रहा था ताली ताली कौन बजा रहा था कौन बजा रहा था तीन सिंपल से प्रश्न बहुत ही आसान है मैंने आपको सिखाया है अभी तो बिना देखे बिना टेस्ट बुक में देखे ये आपको तीन प्रश्न लिखना है अपने एसडब्ल्यू में और एसडब्ल्यू के ऊपर अपना नाम लिखना है पूरा नाम लिखना क्या हो रहा है बच्चों कहीं बच्चे ना अपना नाम नहीं लिख रहे इसको वजह से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है किसका एसडब्ल्यू तो यहाँ पे अपना नाम लिखना है तो बच्चों लिख लो देखो पहला प्रश्न क्या है डाली क्या कर रही थी दूसरा प्रश्न है कलिया क्या कर रही थी और तीसरा प्रश्न है ताली कौन बजा रहा था तो बच्चों आपको ये कविता आपको समझ में आई होगी मैं ऐसे ऐसे करता हूँ यदि किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बताना है मैं कल आपको फिर से समझा दूंगा ठीक से
ओके। तो बच्चों अभी ये जो प्रश्न है आप वीडियो पॉज करके बाद में अपने नोटबुक में लिखना है ना। तो बच्चों आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं, तो अगला जो पाठ रहेगा कविता रहेगी वो हम अगले तस्वीर में लिखेंगे। घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर मत जाओ। कोरोना पड़ रहा है तो